हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज वेट लॉस जर्नी से हट के है ये मेरा वीडियो कुछ अलग, जो कि होम टूर है जो आप लोगों को आज मैं करा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा मेन गेट, जो बाहर से इंटर करने के बाद अंदर आपको मिलेगा एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन, जिसमें हर तरह का पौधा आपको मिल जाएगा। और ये सामने खड़ा किया हुआ है कार, ये है मेरे पूरे घर का ऊपर तक का लुक। इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ गेट के पास से यहाँ पे जूही का पौधा लगा हुआ है, और ये सब पौधा लगा है, झूला लगा है और बहुत सारे गमले रखे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत फूल के शौकीन हैं, काफ़ी मतलब पौधा लाते लगाते रहते हैं। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि बगैर गार्डन का घर घर नहीं होता, तो आगे में गार्डन होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वो तो पीछे वो तो मेन गेट था, अब यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर। तो यहाँ पे है तो शू रैक रखा हुआ है, और ये हो गया कुछ गमले हैं यहाँ पे फूल के, और ये हैंगिंग पॉट जो बाहर टंगा हुआ था लेकिन अभी गर्मी पड़ रहा था ना, तो अंदर लाकर टांग दिए। तो और इधर ये सब जो है ना मनी प्लांट है, जो मैंने लगाया है। मुझे ना बहुत पसंद है मनी प्लांट, तो जितना भी पॉट खाली पड़ा मिल जाता है सब में लगा देती हूँ। और जो है ये देखिए कितना पूरा विंडो जो है छाया हुआ है मनी प्लांट से। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया ये बेसिन है, ये शू रैक हो गया, और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है ये इन्वर्टर, और यहाँ पे ये सोफ़ा रखा हुआ है, ये टेबल है। टेबल ये दूसरा था यहाँ पे, ये हाल फिलहाल में कबर्ड जब सब बना है ना घर में, तो उस वक्त ये बनवाया गया है। तो ये हो गया बाहर का, ये सोफ़ा यहाँ पे है। और इधर इधर जाता है ये स्टेयर्स सीढ़ी, ये कर्टन लगा हुआ है। इसका भी वजह है यहाँ पे कर्टन लगाने का, क्योंकि इसके पीछे एक बाइक रखते हैं, और ये देखें बाइक रखा हुआ है, और जो भी मतलब साइकिल है, तो ये सब सामने से इधर सोफ़ा पे जो भी कोई बैठते हैं तो सामने से ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है देखकर, तो इसलिए कर्टेन लगा दिया गया है। तो बस ये हो गया यहाँ पर का। और फ्रेंड्स, ये फर्श देख रहे हैं ना टूटा फूटा, ये दोबारा से बना है लेकिन फिर भी जो है ये टूट गया। पता नहीं यहाँ पर का क्या मामला है ये फर्श का, तो लास्ट में वही करना होगा कि मार्बल लगाना होगा, तब जा कर के रह पाएगा। तो और फिर यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये है एक रूम जो कि हॉल है। यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, इधर विंडो हो गया, और जितना भी बेड ठीक कर लेना बच्चे सही नहीं होने देते हैं, क्योंकि बच्चे आ गए हैं स्कूल से, अब कभी इस बेड पे तो कभी उस बेड पे सोना। पिलो भी देखिएगा तो कभी उस बेड का यहाँ रहेगा, कभी इस बेड का वहाँ रहेगा। ठीक करते रह जाइए, ठीक नहीं रह सकता है, बच्चों के घर में यही होता है। तो ये देखें यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है, ये स्टडी टेबल था लेकिन फिलहाल ये खाली है, तो इस पे खाना वगैरह बैठ करके खाना खाते हैं हम लोग। वैसे ये डाइनिंग टेबल नहीं है, अभी घर में डाइनिंग टेबल है ही नहीं, तो इसी को डाइनिंग टेबल बना करके हम लोग खाना खाते हैं इस पे। बस ये हो गया अलमीरा एक, जो अभी अभी इसमें सब बनवाया गया है। इसका वीडियो पहले वीडियो में आप लोग अगर देखते होंगे तो पता होगा, ये हाल फिलहाल में ये सब बना है। ये यहाँ पे कूलर है, और ये है कैबिनेट है, इस पे कबीर जो हैं लैपटॉप रख करके और गेम वगैरह खेलते हैं बैठकर। यहाँ पे एक विंडो हो गया, उसके बाद इधर हॉल से जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये खुला एक लॉबी है, जो यहाँ पे छत जो है इतना खोल दिया गया है, खुला है। इसका भी रीज़न है कि मतलब रोशनी के वजह से, हवा और रोशनी के वजह से ओपन किया हुआ है, क्योंकि ना साइड से विंडो है नहीं,
इधर साइड से भी नहीं है, इधर साइड से भी नहीं है, दोनों तरफ जो है घर है, तो इसलिए जो है विंडो अंदर ही से है, तो ये खुला रहना बहुत ज़रूरी था। अगर ये खुला नहीं रहता ना तो ये मतलब अच्छा नहीं लगता, रोशनी भी नहीं आती, हवा भी नहीं आती। और ये सब बना है अभी, सब कैबिनेट सब बनवाया गया है। और ये हो गया आरओ। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक बेसिन था जो कि टूट गया है अभी, तो अभी तो खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये रहा, इधर एक कूलर है रखा हुआ, यहाँ पे फ्रिज है। तो फ्रिज वैसे तो किचन में रहता है, लेकिन किचन उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा किचन है, तो किचन के साइड में ही ये है रखा हुआ, इसके बगल में ही किचन पड़ता है ये। और फ्रेंड्स यहाँ से फिर एक ये रूम है, ये रहा, यहाँ एक बेड लगा हुआ। बहुत बड़ा बड़ा रूम नहीं है, सब मतलब मीडियम साइज का है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद इधर कबर्ड बनवाया हुआ है, बस इतना ही जगह बचता है। ये रहा, एक साइड टेबल है यहाँ पे। और ये फ्लावर पॉट देख लीजिए, यहाँ झारखंड का ये हैंडमेड फ्लावर पॉट है। और ये फ्लावर ये ना रांची से लेकर आए थे, तो बस यही है ये रूम। इधर एक विंडो है, जो ये कवर्ड बना है तो आधा कवर हो गया है, आधा निकल बचा है, तो वो भी खुल नहीं सकता है, तो समझिए बंद ही है। वैसे भी ये विंडो का कोई काम नहीं था, ऐसे भी बंद ही रहता था, तो बस ये रूम का यही लुक था, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया एक रूम। और उसके बाद तो बस अब यहाँ से जाता है एक और रूम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये दूसरा रूम हो गया, यहाँ पे ये देखें, ये सब कवर्ड जो है ये सब बनवाया गया है अभी हाल फिलहाल। तो ये रहा, ये सब इधर विंडो हो गया, और ये इधर ऐसे यहाँ पे एक रखा हुआ है, जो कि डेली हस्बैंड जाते हैं तो इसमें दो चार सिक्के डालकर निकलते हैं घर से, तो बस। और आते आते अपना बैग रखने के लिए ये उनका जगह है। यहाँ पे साइड टेबल हो गया, और इधर हो गया, ये सब कैबिनेट्स बना है अभी। उधर भी एक विंडो हो गया, विंडो दो दो है, एक रूम में दो विंडो है, लेकिन ना वही कि अंदर ही अंदर है सब, साइड से वैसा जगह नहीं है विंडो का। तो ये बेड हो गया, और बेड के बाद उधर थोड़ा सा जगह है, और उसके बाद इधर इतना स्पेस बचा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा रूम नहीं है, उस रूम से ये थोड़ा सा बड़ा है, तो सही है, जो भी है अच्छा है। अपना घर अपना होता है, जो सुकून अपने घर में है ना वो कहीं और नहीं है। बस घर जैसा भी हो साफ सुथरा होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए। इधर हैंगर है, जिसमें आकर के हस्बैंड जो है अपना कपड़ा हैंग करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पे आपको इधर मिलेगा किचन, ये मेरा किचन हो गया, जो कि हर लेडीज का मतलब पसंदीदा जगह है, जिसको सजा कर अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे दिन गुजरता है, पूरा दिन और रात रात तक। तो बस यही छोटा सा किचन है देख लीजिए, और इसमें कैबिनेट सभी नहीं बना है। यहाँ पे ये सर्विस विंडो था, तो जहाँ पे फ्रिज उधर रखा हुआ था ना, वहाँ पे डाइनिंग टेबल एरिया है, डाइनिंग टेबल रखने का जगह बनाया गया था, लेकिन अब मूड चेंज हो गया है, अब वहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये सर्विस विंडो रखा गया था कि खाना किचन से ऐसे उधर पास करने के लिए। तो वैसा कुछ अभी हुआ नहीं है, तो यहीं पे जो है ये फैन लगा कर रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक हो गया रैक, और ये दूसरा हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी मतलब होम टूर कराना था, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ साफ सफाई की हूँ, जो है वैसे ही रखी हूँ, और डेली इसी तरह से रहता है, ऐसा नहीं है। साफ सफाई मेरा एकदम पसंदीदा काम है, कि अगर फुर्सत मिले, टाइम मिल जाए ना, तो पूरा घर बस संवारती ही रहूं, ऐसा लगता है कि अच्छे से एकदम ढंग से रखूं।
और ये देखें यहाँ पे नोटबुक वगैरह रखी रहती हूँ किचन का, कि कोई भी सामान याद आता है ना तो मतलब उसमें लिख लेती हूँ झट से, पेन कॉपी नोटबुक सब, और दूध का हिसाब और मॉपिंग करने आती हैं उनका सब लिखना पड़ता है। तो मेरा एक भूलने वाला बीमारी भी है कि भूल जाती हूँ कोई भी चीज़ तो लिखना पड़ता है। तो ये देखें ये किचन का एक विंडो हो गया, ये लाइट मैंने लगवाया है, ये बहुत दिन से सोच कर रखी थी, बहुत शौक था ऐसा किचन में लाइट लगवाने का। तो इसे जलाती हूँ, जला कर जब खाना बनाती हूँ ना तो लगता है एक एनर्जी आ जाता है अपने अंदर। तो बस ये देखें खाना पीना हो गया है सब। तो किचन में कैबिनेट्स नहीं है तो बस ये सब खुला खुला है, ये देखें ये नीचे का हो गया, सिंक इधर सिंक हो गया, इधर हो गया ये बर्तन रखने वाला रैक है, और ये भी एक जुगाड़ है। और ये पूरा देखें दीवार कैसा टूट फूट गया है, मतलब सीमेंट में आजकल पता नहीं कि क्या रह रहा है जो इस तरह से दीवार हो जा रहा है। तो बस ये था छोटा सा किचन फ्रेंड, और इधर का तो दिखाना भूल गई, ये हो गया एग्जॉस्ट फैन और इधर का ये हो गया सब। पूरे घर में जितना सामान नहीं होगा ना उतना किचन का सामान होता है, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस ये किचन हो गया, और किचन से निकल कर इधर कॉरिडोर है, और उसके बाद इधर पड़ता है पीछे का रूम। ये कर्टन जो है फ्रेंड्स पर्दा, ये पर्दा अभी मैंने लगाया है, जब हमें लगा कि होम टूर कराना है तो इसके वजह से मैंने लगा दिया है, पहले से नहीं लगा हुआ था, वैसे सोच कर रखी थी कि लगाना है, काफी दिनों से सोची हुई। अब देखिए वीडियो बनाना रहा, आप लोगों को दिखाना है, तो ये काम हो गया। तो ये इसलिए लगाई हूँ ना कि उधर उस साइड में पीछे का एरिया है, तो सामने कोई भी इधर अंदर में आता है तो पीछे का दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। तो ये सही हो गया, ये देखें इधर स्टोर रूम की तरह है, ये सब जो भी अगड़म बगड़म सामान जो होता है ना, खाली डब्बा जितना भी हुआ, तो वही चीज़ है इधर। और एक यहाँ पे मतलब मशीन है, वॉशिंग मशीन, तो ये देखें कपड़ा धुल कर रखा हुआ है, अभी डाले भी नहीं है। और इधर ये पुराना बाइक है, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये छत जो है इतना ओपन किया हुआ है, रोशनी की वजह से जो है ये दो जगह पे ओपन किया हुआ है। इधर हो गया बाथरूम, तो ये बाथरूम हो गया, तो फ्रेंड्स अटैच बाथरूम मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ना अलग से दोनों चीज़ अलग अलग करवाया है। तो बस ये रहा इधर पीछे का एरिया हो गया, और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना ये पीछे खुलता है ये भी, तो आपको इधर भी दिखा देती हूँ, ये रहा पीछे का एरिया। तो इधर बाउंड्री देना है अभी, अभी बस ऐसे ही खुला हुआ है। तो ये कुछ दूर है मेरा जो कि बाउंड्री अभी दिलाएगा। तो फ्रेंड्स बस हो गया ये नीचे का, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर में इधर से स्टेयर जाता है, और आपको दिखाते हैं ऊपर का एक रूम है ऊपर, बस वो गेस्ट रूम है। तो ये रूम नीचे जो रूम देखे ना वो सबसे ये बड़ा है, थोड़ा बड़ा रूम है, तो ये रूम गेस्ट रूम के लिए सोचकर बनाया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी जैसा है वैसा पड़ा हुआ है। तो ये देखें यहाँ से देख लें, ये विंडो है, और यहाँ पे एक स्टडी टेबल है जो अभी फिलहाल में बनवाया गया है, इधर बेड हो गया। तो फ्रेंड्स ये अलमीरा नीचे था तो नीचे कवर्ड बन गया, तो फिर ये ऊपर आ गया है, और ऐसे भी ये रूम बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं है अभी। तो ये रूम, तो ये अलमीरा हो गया, उधर एक विंडो हो गया, तो सामने सामने इधर एक विंडो और एक इधर विंडो, दोनों सामने सामने है। उसके बाद ये ड्रेसिंग है जो कि नीचे था, तो अब तो ड्रेसिंग नीचे बन गया कवर्ड के साथ,
ये भी ऊपर आ गया। ये लेकिन यादगार ये सब चीज़ है फ्रेंड्स, ये क्योंकि शादी में मिला हुआ है तो जैसे है वैसे ही इसे रखना ही है। मेरे हस्बैंड का ये सेटअप तैयार किया हुआ है, ये जो वीडियो बनाते हैं वो, उनका ये सेटअप यहाँ पे पूरा तैयार किया हुआ है। ये देखें, ये हो गया ट्राईपॉड और ये टेबल है यहाँ पे, इसमें ये मिनी टेबल भी रख दिया गया ताकि ऊपर हाइट ऊपर तक हो जाए, और इस पे लैपटॉप रख करके तो रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे ये कैमरा लगा रहता है और वहाँ पे लैपटॉप में वॉइस ओवर करते हैं। इसमें ये माइक को इधर करके इस तरह से, और ये हो गया रिंग लाइट, एक ये लाइट है और दो उधर लाइट लगाया हुआ है, और नीचे ट्यूबलाइट है। तो ये है उनका पूरा सेटअप तैयार किया हुआ। और ये कबीर असिस्टेंट बने रहते हैं अभी के साथ साथ, है ना कबीर। और ऊपर ये है फ्रेंड्स, ये रैक है जिसमें ये कर्टेन लगा हुआ है, ऊपर रैक है, जितना भी सामान है सब ऊपर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब बाहर और इधर देखें। तो निकलने के बाद फ्रेंड्स ये है पोर्टिको, इसके नीचे जहाँ पे सोफा था वही स्पेस है इसके ऊपर का ये, तो यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है उतना, तो बस आलतू फालतू चीज़ सब अभी पड़ा हुआ है। प्याज जो बागान में हुआ था वो यहाँ पे है, आलू ख़त्म हो गया, इतना गर्मी पड़ी कि सब सड़कर आधा से ज़्यादा फेंकना पड़ा। और उसके बाद इधर एक कॉरिडोर है जो इधर से जा करके बाहर छत पे निकलता है। तो ये रहा बाहर का छत, ये वॉशिंग मशीन है पुराना वाला जो अभी पड़ा हुआ है ये भी, और ये देखें एलोवेरा जो गर्मी में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जल गया, और अब ऐसा हो गया है जैसे कि एकदम खेती लग गया है इसका। ये ऊपर का बाथरूम लैटरिंग है उधर, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ऐसे ही उल्टा सीधा सामान सब रखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पास में मस्जिद है। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में ऊपर का देख लें, तो ये स्टेयर जो है ऊपर जाता है। ये रहा सेकंड फ्लोर, और सबसे ऊपर में ये पानी की टंकी है जो कि सीमेंट से बनवाया गया है। इसे बनवाने का एक फ़ायदा ये हुआ है ना कि गर्मी में ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता है, वो सब जो टंकी होता है ना उसमें सुबह से ही पानी गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें दोपहर जब होता है तब गर्म निकलता है। तो बस यही रहा, तो चारों तरफ हरियाली नज़र आएगा, एक बार आपको चारों तरफ से घुमा कर दिखा दे रहे हैं। और यहाँ से सबसे ऊपर में आए हैं सेकंड फ्लोर पे ना, तो ये मस्जिद देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल पास में। ये रहा सोन नदी, यहाँ ऊपर छत पे आने पे ना सोन अच्छा से क्लियर दिखाई देता है, वो पहाड़ वगैरह सब दिख रहा है, पानी उतना भी भरा हुआ नहीं है, देख रहे हैं ना बारिश हो ही नहीं रही है, पानी क्या भरेगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये होम टूर आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।